प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि किसी देश की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान और नदियों के संरक्षण के साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। प्रदेश में वनौषधियों से जुड़े उद्योगों को हर संभव सहायता करेगी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ने फार्मेसी सम्मेलन में दिया आश्वासन। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर स्वस्थ और तंदुरुस्त बुजुर्गों का हुआ सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद फैलाने वाले देशों को खुद भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद का इस्तेमाल राजनीतिक उपकरण के रूप में कर रहे हैं। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को भी समय के साथ अपनी भूमिका में विस्तार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए भारत द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों को वैक्सीन दिए जाने के प्रयासों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अन्य विषयों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान को क्रांतिकारी पहल बताते हुए कहा है कि देश में नदियों की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने छोटे उद्योगों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात भी कही। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आज विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में नदियों का महत्व बताते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में नदियों का बहुत महत्व है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती हैं। गया है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम नदियों को माँ कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में छोटे और मध्यम उद्योगों की बहुत अहम भूमिका है, इसलिए हमें छोटे उद्योगों द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को खरीदने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि जब हम स्थानीय उत्पादों को महत्व देंगे तो इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने इसके लिए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के समय साफ सफाई को भी हर मौके पर महत्व दिया। महात्मा गांधी के इन प्रयासों के कारण ही स्वच्छता अभियान एक
जन आंदोलन में बदल गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी हमें ऐसे ही जन आंदोलन की जरूरत है। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देश के युवा, बुजुर्ग और बच्चे सभी न केवल ध्यान से सुनते हैं बल्कि कार्यक्रम में कही गई बातों को अमल में लाने के प्रयास भी करते हैं। आज जशपुर जिले में भी बच्चों और युवाओं ने मन की बात कार्यक्रम को गौर से सुना। इन श्रोताओं ने मन की बात कार्यक्रम में होने वाली बातों को अपने लिए प्रेरक और उपयोगी बताया। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में वन औषधियों से जुड़े उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके लिए कच्चा माल और जमीन सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन की राज्य इकाई द्वारा विश्व फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर आयोजित सम्मेलन में कही। रायपुर में हुए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वन औषधियां प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में मौजूद इस प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने फार्मेसी कंपनियों से कहा कि वे यहां दवा और वन औषधि से संबंधित उद्योगों की स्थापना के लिए आगे आएं। आज 13वां विश्व फार्मेसी दिवस मनाया, उसके बहुत बहुत बधाई। मैं जितने भी फार्मेसी में काम करने वाले लोग हैं, जो कोरोना काल में जो सेवाएं दी है वो अद्वितीय है। खूब मेहनत उन्होंने की, मानवता की सेवा के उत्कृष्ट नमूना उन्हें प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेनेरिक दवाइयों को लोकप्रिय बनाने में फार्मासिस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जेनेरिक दवाइयों का उपयोग बढ़ाकर कम खर्चे में लोगों को इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। यहाँ होने वाले नवाचारों और नई पहलों पर पूरे देश की नज़र रहती है। उन्होंने कहा कि कोरोना को नियंत्रित करने में सरकार के साथ साथ दवा कंपनियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं, अंतर्राष्ट्रीय शोध होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं बनती हैं और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के बाद देश इन व्यवस्थाओं को अपनाते हैं और हमारे राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यवस्थाएं केंद्र सरकार विशेषज्ञों के सलाह के बाद और ऐसी वैक्सीन की उपलब्धता और उसकी कारगरता के आधार पर जो निर्णय लेगी वो छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। कार्यक्रम के दौरान अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले फार्मासिस्टों को सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने फार्मासिस्ट बुक का विमोचन भी किया। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना के 37 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रेलवे पुलिस द्वारा यात्री जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन परिसर में लोगों को यात्री सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। अभियान के दौरान यात्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए आपातकालीन नंबरों की जानकारी भी दी जा रही है। इस अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल के स्थानीय अधिकारी ने यात्रियों को सुरक्षित सफर के दौरान अपरिचित लोगों से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें नहीं लेने की अपील की। इसके साथ ही यात्रियों को कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया। रेलवे सुरक्षा बल रेल के सभी यात्रियों को सतर्क और जागरूक करने का मुहिम छेड़ा है, जिसके दौरान सभी यात्रियों को से अनुरोध किया जाता है कि वो किसी भी अपरिचित अनजान व्यक्ति से कोई सामान ना खाएं। यात्रा के दौरान अपने सामान अपने मोबाइल को छोड़कर यहाँ वहाँ न जाएं। यात्रा के दौरान जब भी कोई समस्या आती है तो वो रेल मदद नंबर 139 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि रेलवे संपत्ति और रेल यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से वर्ष 1985 में रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। बल की स्थापना की 37वीं वर्षगांठ पर इसी तरह के आयोजन रायपुर और बिलासपुर रेल मंडल के अन्य स्टेशनों पर भी किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर जगदलपुर में बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा फिटनेस संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुष और महिलाओं को चुना गया जो शारीरिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। इन सभी सम्मानित बुजुर्गों को संस्था की ओर से शॉल, श्रीफल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और क्षेत्रीय विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि 75 वर्ष की उम्र में भी इन बुजुर्गों को स्वस्थ और सक्रिय देखना बहुत ही सुखद अनुभव है। ये सभी बुजुर्ग हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जो है
फिटनेस के लिए हर व्यक्ति को बिल्कुल लगातार प्रयास करना चाहिए। स्वस्थ रहेंगे, उनका जीवन स्वस्थ रहेगा और देश के विकास में महत्वपूर्ण साबित होंगे। मेरी सभी युवा पीढ़ी से यही अपील कि हमारे इतने बुजुर्गों को देखकर, उनके फिटनेस को देखकर हमको भी अपने जीवन में उतारने का कोशिश करना चाहिए। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए इन दिनों पोषण माह मनाया जा रहा है। इसके तहत कल बिलासपुर में विशेष पोषण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिलासपुर के सिम्स अस्पताल के साथ अन्य सामाजिक संस्थाओं ने बच्चों को पोषण सामग्री का वितरण किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा बीते 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक पोषण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में बिलासपुर की महिला और बाल विकास अधिकारी निशा मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में 50 बच्चों को पोषण सामग्री प्रदान की गई। और उसी पोषण माह के अंतर्गत आज यहाँ चांटी डीह में एक हम लोगों ने शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में हम लोगों ने 50 बच्चों को पोषण किट भी वितरित हुआ है। इसके साथ ही साथ सिम्स के सहयोग से उन 50 बच्चों में से सैम बच्चों का चिन्हांकन भी किए, जिसमें 5 बच्चे सैम चिन्हांकित हुए हैं, मतलब वो गंभीर कुपोषित हैं, अति गंभीर कुपोषित हैं, उनको NRC से लाभान्वित करेंगे। वहीं सिम्स अस्पताल के सहयोग से बच्चों की जांच के दौरान 5 बच्चों को अत्यधिक कुपोषित पाया गया। इन बच्चों के पालकों को कुपोषण दूर करने से संबंधित जानकारी दी गई। पोषण शिविर में अपनी सेवाएं देने वाली डॉक्टर शकुंतला जीतपुरे ने कहा कि बच्चों और माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा पौष्टिक पूरक आहार दिए जा रहे हैं। इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि इस अभियान के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। पोषण माह के अंतर्गत इसी तरह के आयोजन प्रदेश के अन्य जिलों में भी हो रहे हैं। बस्तर के दुर्लभ ढोकरा शिल्प को संजीवनी देने के उद्देश्य से दुर्ग में 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में कोंडा गांव की झिटकू मिटकी वन हस्तकला समिति के 4 प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को ढोकरा शिल्प की बारीकियां सिखाई जा रही हैं, ताकि इस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। प्रशिक्षकों द्वारा वन्य जीवों की जीवंत मूर्तियों का निर्माण भी कार्यशाला में कराया जा रहा है। इस संबंध में विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर RN सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला में प्रतिभागी ढोकरा शिल्प के तहत मूर्ति और अन्य कला वस्तुएं बनाने की विधियां सीख रहे हैं। विद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा ढोकरा शिल्प कला पर 11 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से, विशेषकर आदिवासी संस्कृति से परिचित कराना। यह संस्कृति प्राचीनकालीन संस्कृति है। इस संस्कृति से परिचय के साथ साथ विद्यार्थी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से तकनीकी लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जिसके माध्यम से अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सकेंगे। ढोकरा शिल्प में ज्यादातर धार्मिक मान्यताओं से संबंधित कलाकृतियां और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इनके अलावा ढोकरा शिल्प में आदिवासी जीवन शैली की झलक भी दिखाई देती है। प्रतिभागियों ने बताया कि ढोकरा शिल्प की बारीकियां सीखकर वे बेहद रोमांचित हैं। विद्यार्थी हूँ और अभी जो हमारे कॉलेज में ढोकरा कला का जो प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें हमें 4 मेजर स्टेप सिखाए गए हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है, उसमें मिट्टी में चावल की भूसी को मिलाकर के एक स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। उसके बाद उस स्ट्रक्चर को पकाया जाता है और फिर उसमें वैक्स के थ्रेड से उसे कवर किया जाता है, और उसके बाद उसमें मेटल का यूज़ करा जाता है, और बाद में उसमें फिनिशिंग की जाती है, और उसे एक जो स्ट्रक्चर निकला है उसे अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता है। मेरा नाम जैनब खातून है। मैं MA फाइनल ईयर इतिहास की विद्यार्थी हूँ साइंस कॉलेज दुर्ग से। हम यहाँ पे ढोकरा शिल्पकला के बारे में जान रहे हैं। वो हमारी छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति है, जिसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, जिसको ग्लोरीफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको वैश्विक मंच देने के लिए भी हम युवाओं का योगदान काफ़ी ज़रूरी है। इस वजह से हमारे कॉलेज में ये प्रशिक्षण दिया जाए, जो काफ़ी अच्छा है, और युवाओं को रोज़गार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए भी ये जो कला शैली हमें सिखाई जा रही है वो काफ़ी बेहतर है। इस कार्यशाला के माध्यम से जहां एक ओर लुप्त हो रहे ढोकरा शिल्प को नया जीवन देने का प्रयास हो रहा है, वहीं प्रतिभागियों के लिए कला क्षेत्र में रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।